जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 11:28 हुई है, आप देख सकते हो। और सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, हालांकि पिछले वीडियो में आप लोग को भी बता दिया गया था। ये देखिए मैंने कब दिया है, आप देख सकते हो, 1 घंटे पहले अपने ग्रुप में। इसका टाइम भी दिख जाएगा आपको। सबसे पहले इसका टाइम देखिए आप, कहाँ दिखता है इसका टाइम, क्या नहीं। चलिए, इसका 1 घंटे पहले दिया था ये, और ये भी 1 घंटे पहले दिया था। एलएनटी का फाइनेंस का मैंने कॉल इसलिए दिया क्योंकि पुट साथ में इसलिए दे दिया, लेकिन मुझे तेज़ी दिख रही थी। मैंने आप लोग को बोला भी था पिछले वीडियो में, 80 का कॉल 5 रुपये 10 पैसा और ये 3 रुपये, टोटल कॉस्ट 8 रुपये आ रही है। जिस साइड में 9 रुपये आए उस साइड निकल जाना। और ये भी 1 घंटे पहले दिया था, तब ये 4270 चल रहा था, अभी 4370, 1 रुपया मिल गया, 7,500 की लॉट है। अब देखिए, मैं आप लोग को स्टॉक एस्टिक का बोला था कि माय बेस्ट इंट्राडे रिसर्च, तो इसमें देखिए ये 2 स्टॉक आए थे मेरे आज। ये जो मैंने आप लोग को सिखाया था स्टॉक एस्टिक इंट्राडे वाला, कि हर घर में 3-4 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो, तो उसमें भेल भी आया था और एलएनटी फाइनेंस भी आया था, आप देख सकते हो। और वो जब आया था एलएनटी फाइनेंस, तब ये इसका भाव चल रहा था 78-80 रुपीज़ फ्यूचर्स में, उस समय वो 2 पे आया था। और आप देख सकते हो उसके बाद 80-50 आ चुका है अभी। और अगर इसकी लॉट साइज़ देखो आप, तो कितना रुपया कमा सकते हो। उस जो मैंने इंट्राडे की माई बेस्ट इंट्राडे रिसर्च वाला वीडियो डाला था, तो इसकी लॉट साइज़ कितने की है मालूम है आपको, 4,500 की, यानी कि 9,000 रुपये आपको अभी मिल चुके विद इन 1 आवर। और दूसरा आपको मैंने बोला था निफ्टी बैंक निफ्टी, देख लीजिए आप लोग पिछले वीडियो की एक बार झलक दिखा देता हूँ, ताकि प्रमाण भी हो जाएगा कि मैं क्या बोलता हूँ, हर घर में क्यों पैसा आएगा, देख लीजिए। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा, दैट इज़ नन ऑफ माई मिस्टेक, क्योंकि आपको ये चैनल मैं सिर्फ आप लोग के लिए चला रहा हूँ। ये देखिए, ये 10:29 पे वीडियो था। हेलो, माय नेम इज, अरे मैडम आप हटो ना। आई एम एनालाइजिंग स्टॉक्स फॉर ओवर 12 इयर्स। आई स्टार्टेड एज अ जय जिनेंद्र। हां, इसको देख लीजिएगा पहले भाई, आप लेवल आने के बाद करिए। निफ्टी का लेवल मैंने 11181 दिया था 5 नंबर, तो 915 के ऊपर जा चुका एक बार, तो मुझे मार्केट में, ये देखिए पहले शॉर्ट में क्या हुआ, पहले इसको सुन लीजिए, डोंट वरी। मगर हमारे लेबर्स जो है वो काम कर रहे हैं, 11,112 के नीचे सेल था उस समय, 27,836 चल रहा था, आप देखिए 27,836, अभी बैंक निफ्टी 28,080, 50-60 जो भी लेवल मिले वहाँ पे बुक करना आज। उसका एक दो कारण और भी मैं बता देता हूँ। पहले हम अपन आज के हाई लो देख लेते हैं स्पॉट में क्या हुआ है। आज का लो है, ये वीडियो आप देख लीजिए, तो ये डेफिनेट बाउंस बैक का एक इशारा कर रहा है, डेफिनेट बाउंस बैक का। देखिए टोटल कॉस्ट क्या है अभी तक का, तो वो 0.76 है, तो ये डेफिनेट बाउंस बैक का एक इशारा कर रहा है, डेफिनेट बाउंस बैक का। देखिए टोटल कॉल और टोटल पुट, इनका रेशियो निकालते हैं तो 0.76 आ रहा है, तो ये क्लियर कट है कि आज 100 से 150 पॉइंट की रिकवरी जरूर देगा मार्केट, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर आप में बाई करना है तो या तो लेवल पे करिए, या फिर थोड़ा रिस्क ले सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, जो करंट फ्यूचर चल रहा है। सुन लिया आपने, उसके बाद कॉल उस समय 837 चल रहा था बैंक निफ्टी, और अब देखिए खाली रिस्क टेकर के लिए आप ये देख रहे हैं, कुछ दिनों में 85, देखिए 78-85 चल रहा था उस समय एलएनटी फाइनेंस। अगर रिस्क लेना चाहो तो कॉल ले लो, ठीक है, तो रिस्क ये सुनिएगा, वापस जाते हुए दिख रहा है 80 का चल रहा है, तो मुझे कुछ दिनों में इसका 85 प्राइस आते हुए दिख रहा है, कुछ दिनों में। ये एलएनटी के बारे में बोल रहा हूँ, फाइनेंस के लिए आप डिलीवरी लेना चाहो या 78-85 चल रहा है, रिस्क लेना चाहो तो कॉल ले लो, ठीक है, तो रिस्क खाली रिस्क टेकर के लिए, आपको लॉस भी हो सकता है। और एक भेल डिलीवरी वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भेल, ये करंट रेट में 4280 जो चल रहा है भेल डिलीवरी के लिए, ये भी 1 रुपया बढ़ गया, 7,500 की लॉट है। तो बस जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों।